देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, और अगर बात करें हम हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भी दिन प्रतिदिन यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमण को काबू पाने हेतु आज 5 मई 2021 को हिमाचल सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में लॉकडाउन और बंदिशों के ऊपर चर्चा की गई। सर्वदलीय बैठक समाप्त होने के पश्चात ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें कोरोना संक्रमण को काबू पाने हेतु बड़े और अहम फैसले लिए गए। तो चलिए विस्तार से जानते हैं क्या है वह बड़े फैसले, क्या लॉकडाउन लगेगा, चलिए देखते हैं। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश में 6 मई 2021 रात 12 बजे से 16 मई 2021 तक सख्त कर्फ्यू लगाया जाएगा। कर्फ्यू के दौरान धारा 144 भी लागू रहेगी। इस कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू नाम दिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने यह फैसला भी लिया कि 10वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जाएगा और सरकारी दफ्तर और बाजार बंद रखे जाएंगे कर्फ्यू के दौरान। सिर्फ और सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें और मेडिकल सेवाएं ही चालू रहेंगी। इसके साथ ही कृषि, सिविल वर्कर और ट्रांसपोर्ट उद्योग इकाइयों को कर्फ्यू से छूट रहेगी। अगर बात करें बस सेवाओं की, तो सिर्फ और सिर्फ 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ही बसें चलाई जाएंगी, और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट लानी होगी। रिपोर्ट नहीं होने पर उन्हें क्वारंटाइन रखा जाएगा। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि बचाव में ही बचाव है, कृपया सावधानी बरतें, घर से बाहर कम से कम जाएं। अगर आपको कोई जरूरी काम है इसलिए ही बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें, सुरक्षित रहें।